नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मीमांसा पर फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, हिंदी बेसिक कक्षा के पाठ नंबर 8 में आप सबका स्वागत है। छोटा सा वीडियो है, हम दो शब्दों के बारे में बात करेंगे, दो वर्णों के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर हम ई का उपयोग करते हैं और कहाँ पर हम ये का उपयोग करते हैं, कहाँ पर ई और कहाँ पर ई, दोनों अंतर बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो छोटा सा ध्यान रखिएगा कि संज्ञा शब्दों के अंत में जो होता है वो ई का उपयोग होता है। किसके अंत में? संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा शब्दों के अंत में, संज्ञा शब्दों के अंत में किसका उपयोग होता है? ई का उपयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ मिठाई, मिठाई कह दो आप, कह दो आप सिंचाई कह दो, मिठाई कह दो, सिंचाई कह दो, तो ई यहाँ आपके सामने दिखेगा। अब जैसे कि मान लो रजाई कह दो आप, रजाई, तो जहां पर संज्ञा शब्द है वहां पर क्या आएगा? ई आएगा, ई का उपयोग करना है। यहाँ पर आप इसको ई नहीं कर सकते, मिठाई सिंचाई ये आप यहाँ पर आप नहीं कर सकते, रजाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जहां पर क्रिया शब्द के अंत में आता है ना वहां पर ये आता है, क्रिया शब्दों के अंत में, क्रिया शब्दों के अंत में, क्रिया शब्दों के अंत में क्या आता है? ये आता है। जैसे कि मान लो दिखाई, दिखाई, या ध्यान रखिएगा दिखाई, जैसे हम बात करते हैं दिखाई के दो आप, जैसे आप बात करो मिलाई, मिलाई, तो देखो ये आ रहा है, यहाँ पर भी ये आ रहा है, यहाँ पर भी ये आ रहा है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं पाई, उसके बाद बात कर सकते हैं खाई, ये जो हम बात कर रहे हैं ना ये शुद्धता की बात कर रहे हैं। बाकी आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा किताबों में वगैरह में, ईद देखने को यहाँ पर भी मिल सकता है आपको, मिलाई में भी मिल सकता है, पाई में भी मिल सकता है और खाई में भी मिलता है आमतौर पर। पर जहाँ पर अगर हम शुद्धता की बात करें, शुद्धता में आपको ये ध्यान रखना है कि संज्ञा शब्द के साथ में ई और क्रिया शब्द के साथ में ई का उपयोग होगा, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। तो 8 वीडियो अभी तक हो चुके हैं, आशा है कि आपने 8वें के 8 वीडियो देखे होंगे। थैंक यू सो मच।